हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ब्लॉगर श्वेता के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ नमकीन सेवइयाँ, जिसको जवे भी बोलते हैं। देखिए, ये सूजी वाले हैं, मैदे वाले नहीं हैं। इनको हम कढ़ाई में डालकर ऐसे ही भूनेंगे, तेल नहीं डालेंगे। अभी देखिए, भून के हो गए हैं। थोड़ा ब्राउन होने तक इसको ऐसे ही पकाना है, तेल नहीं डालना है। थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन कलर का, तो हल्का ब्राउन, तो फिर इसको हम निकाल के अलग रख देंगे। देखिए ये हो गया है, देखिए भून के हो गया। देखिए इस टाइप का हो जाएगा ये भून करके। तो अब उसी कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच के करीब हम तेल डालेंगे। और उसमें हम अजवाइन डाल देंगे, क्योंकि सेवइयाँ में, नमकीन सेवइयाँ में ना अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जब तक अजवाइन चटक रहा है, मैं दिखा देती हूँ कि इसमें मैं क्या क्या सब्जी डाल रही हूँ। तो मैंने एक बड़ा सा प्याज लिया है, एक आलू लिया था जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, ये मटर है, फ्रोज़न मटर है, एक शिमला मिर्च है और टमाटर है, और एक चम्मच मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें गाजर और फूल गोभी ये सब भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो ये सब सब्जियाँ इसमें डाल देंगे। अब देखिए, अजवाइन चटक गया तो मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज को हमें थोड़ा गुलाबी होने तक भुनना है, हल्का इसका कलर थोड़ा गुलाबी हो जाएगा तो फिर इसमें हम आलू डाल देंगे, जिसको कि छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखा हुआ है। आलू और प्याज को थोड़ी देर साथ में भुनेंगे, क्योंकि आलू को थोड़ा पकने में टाइम लगता है। ये देखिए, दोनों को साथ में थोड़ी देर के लिए, ये देखिए भून के हो गया, आलू भी थोड़ा पक गया है प्याज के साथ। तो अब हम इसमें ये मटर ऐड कर देंगे। अब प्याज, आलू और मटर, ये तीनों को साथ में भुनेंगे। और मटर को भी पकने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये फ्रोज़न मटर है तो ये जल्दी ही पक जाता है। तीनों को साथ में भूनेंगे। जब ये तीनों अच्छे से भून के हो जाएंगे, फिर हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। ये देखिए, शिमला मिर्च डाल देंगे, फिर से इन सबको मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए ये अच्छे से हो गए हैं भून के। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। एक टमाटर है, बड़ा टमाटर था एक, तो ये पूरा टमाटर इसमें हम डाल के मिला लेंगे। और टमाटर डालने के बाद, तुरंत बाद ही इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जैसा नमक खाना पसंद करते हैं उतना डालिए। और इसके बाद मैंने ये लहसुन और अदरक का जो पेस्ट रखा था 1 चम्मच, वो भी डाल दिया। चम्मच से मिला देते हैं, क्योंकि चम्मच में थोड़े लगे हुए थे, तो अच्छे से सब मिल जाएंगे इसी में। अब सबको अच्छे से मिला लेते हैं। इसके बाद इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे, जैसे ये हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़े से धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इन सभी को डाल के अच्छे से सबको मिला लेंगे, सब्जियों के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर भुनने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे, जिससे कि सारी सब्जियां पक जाएंगी। तो ये देखिए, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देते हैं। अब देखिए, फिर इसको थोड़ी देर बाद खोला, देखिए सब्जियां अच्छे से, देखिए पक गई है। देखिए सभी सब्जियां मसालों के साथ अच्छे से मिल गई है, भून के हो गया पूरा मसाला। तो अब हम इसमें ये सेवइयां मिला देंगे।
अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं सारी सब्जियों के साथ। इसको अच्छे से मिला लेंगे पहले, और उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैंने इससे एक कटोरी भर के सेवैया लिया था मैंने, तो उसी कटोरी से डेढ़ कटोरी करीब इसमें पानी डालेंगे। अब एक कटोरी मैंने डाला है पानी, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अभी थोड़े पानी और जाएंगे, अभी तो सिर्फ एक कटोरी इसमें गया है, आधा कटोरी ऐसे थोड़ा कम ही डालेंगे इसमें, बस इतना ही। और अच्छे से मिलाकर, इसको मिलाकर अच्छे से देखिए मिल गया है। और अब इसको हम ढक देंगे, ढकने के बाद 5 मिनट के करीब हम इसको ढक के छोड़ देंगे। अगर आपको लगता है तो बीच में एक बार चेक कर सकते हैं, और 5 मिनट के बाद इसको खोल के देखेंगे तो ये देखिए अच्छे से पक गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा, वाओ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये अच्छे से बन गए हैं, ये देखिए। एकदम खिले खिले हैं, एकदम अच्छे से बन गए हैं। लेकिन सबको एक बार मिला लेना है, चारों तरफ से इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। ये देखिए पानी भी पूरा सूख गया है इसमें। तो अब क्या करेंगे, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ढक करके कम से कम 5 मिनट इसको हम, ये देखिए गैस का फ्लेम बंद कर दिया मैंने, अब इसको हम ढक देंगे और इसको कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद उसको हम फिर से खोलेंगे, तो ये देखिए एकदम बन के तैयार है। ये देखिए एकदम खिले खिले दिख रहे हैं ना ये। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना। चलिए अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, ये देखिए कितने खिले खिले दिख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। ये बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं, अगर जिनको पसंद है ऐसे भी खा सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसा बना, कैसा लगा आप लोग को। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। आपको और भी कोई सब्ज़ी डालने का मन हो तो वो भी डाल सकते हैं इसमें, गाजर गोभी पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं इसमें आप। तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि मेरा कोई भी नया वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।